हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और पेंट का डिज़ाइन लेके आ गए हम आपके लिए, कटवर्क वाली और पिंटक्स, बीच में हम बीडिंग लेस फंसाएंगे। तो चलिए गाइस, बनाने का तरीका देखते हैं इसके। सबसे पहले आपको एक पैटर्न बना लेना है कटवर्क का, और एक कटवर्क के लिए आपको 3-4 इंच की एक पट्टी पर फिजिंग करने के बाद उसको सेंटर से तोड़ लेंगे, डबल कर लेना पट्टी को। फिर एक पेपर उसका पैटर्न बना के पेन से निशान लगा लेना है। जब निशान लगा लो तो उसी निशान पर आपको सिलाई मारनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। मशीन का टाका छोटा कर लेना ताकि वो मशीन घुमाने में आसानी हो, बड़ा कर लोगे तो टेढ़ा मेढ़ा टाका बनेगा। भारी टाका कर लेना और अपने हाथों की सहायता से धीरे धीरे से इसको कटवा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा कटवर्क पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम आधे पैर का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से कट करना गाइस, स्लाइड नहीं कटनी चाहिए। सिलाई कट जाएगी तो कटवर्क खुल जाएगा हमारा। ध्यान से कटवर्क करें, पार्ट कटिंग करें, हाथ को बचा के करें, सुरक्षा ज़रूरी है, नहीं तो आपको टक टक के बाद फिराना पड़ सकता है। अब देखो यहाँ कटिंग हो गया। अब कटिंग करने के बाद इसमें बीच में हम कट मारेंगे ताकि पलट हमारा ढंग से पलट जाए, खींच ना मारे, बिल्कुल सिलाई से आधा सूत पहले छोड़ेंगे। कटिंग कर लेंगे ध्यान से, इसको हम पलट लेंगे अपनी उंगली के, इसको पलटने के बाद इसको अपनी उंगली की सहायता से इसको बराबर मार्जिन कर लेंगे। पहले हम इसको पलट लेंगे, फिर बाद में बराबर कर लेंगे प्रेस मारने से पहले। देखो गाइस, जब हमने प्लेट लिया उसको हमने प्रेस मार लिया। प्रेस मारने के बाद एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ गया। अब उसमें हम पहली लेस फंसाएंगे। पहली लेस फंसाने के लिए गाइस, पहले हम इसको आधा इंच को पहले हम तोड़ लेंगे, जो हमने कटवर्क किया है उसको पहले हम तोड़ लेंगे। फिर उसमें हम चौक का निशान लगाएंगे, गरारी मार लेंगे ताकि हमें निशान विजिबल हो जाए। उसी निशान पर हम पहले इसको लेस को सीधी तरफ रखेंगे, लेस सीधी रखेंगे, कटवर्क का उल्टा हिस्सा रखेंगे। इसको पलट के हम उस लेस को घूम कर देंगे। ये हमारी पहली लेस लग गई, बीडिंग लेस। अब उसको हम पक्का कर देंगे। गाइज, नीचे का सा खींच के रखना, अगर आप नीचे का सा खींचोगे नहीं, यहाँ पे हमारा धागा भी टूट गया है, नीचे का सा खींच के रखना, नहीं तो इस पर ऐठ बढ़ जाएगी हल्का हल्का। जो एक्स्ट्रा धागे लटक रहे हैं उसे कट कर लेंगे सफाई के लिए, सफाई आएगी। और इस लेस को हम मेजर कर लेंगे, ये लेस हमारी 2 इंच की आ रही है। 2 इंच की आने के बाद आप लेंथ नाप लें कितनी आ रही है, जितनी आपको तैयार रखनी है उसी हिसाब से आप 2 इंच मार्जिन उसमें कट कर दें, और उसमें एक लेस फंसेगी और पिंटेक्स डलेगी, तो उसी हिसाब से मार्जिन रखें। हमारे 2 इंची का एक्स्ट्रा लेंथ हमारी पूरी है, हमारे 2 इंची का ये है, तो हमारी 2 इंची में कवर हो जाएगा, ऊपर लेस फंसाना और 4 पिंटेक्स डलेगी।
तो हम जो हमारी लेंथ है लेंथ पे हम कैची से अच्छा मार्जिन कट कर देंगे। उसके बाद हम उसको आधे इंच की सहायता से लेस लगा लेंगे। पहले हमारी बीडिंग लेस फंस गई है कटवर्क के साथ, अब उसमें हम चार पिनटेक्स डालेंगे। इससे पहले हम पिनटेक्स डालेंगे, चेक कर लेंगे गाइस हमारी लेस उल्टी है या सीधी, क्योंकि तो इसमें कभी कभी पता चलता है कि उल्टी है सीधी, क्योंकि काला रंग वैसे ही आके चुंदिया जाती है हमारी इसमें। तो हम पहले 2 इंची ऊपर निशान लगाएंगे, हमें पहले हम देखेंगे कितनी आ रही है, उसके हिसाब से डालेंगे हम। देखिए गाइस हमने 4 पे निशान लगा लिए हैं, 5 इंची से हम नीचे लगा रहे हैं लेस से, 3, 2, 1 पे हमने निशान लगा लिए, ये हमारी 4 पिनटेक्स पड़ जाएगी। इसी निशान पे हम निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी पिनटेक्स सीधी आए, टेढ़ी मेढ़ी ना भगे, एकदम बराबर गैप आए पिनटेक्स के बीच में और सफाई आए। तो आप निशान पे पकड़ कपड़ा पकड़ के आपको पिनटेक्स डालनी, नीचे का मॉडर्न देखना है टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब हम पहले पिनटेक्स डालना चालू करेंगे, आधे पैर के एकदम किनारे की सिलाई माननी एकदम धीरे धीरे। तो गाइस हम आपको एक टांके बना के दिखा रहे हैं, दूसरा टांका आप अपने बना लेना, तो हमारी वीडियो लंबी जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम इसको हमारी पिनटेक्स डाल चुकी है, तो हम इसमें लास्ट बीडिंग लेस फंसाएंगे, तो हम 2 इंची का मार्जिन लेंगे, 2 इंची का हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया उसी निशान पर हम कट कर लेंगे। आधे इंच के मार्जिन से इसको हम कच्ची कर लेंगे, लेस हम उल्टी रखेंगे ताकि पलटने का सीधी हो जाए। अगर गाइस आपको कुछ पूछना है तो हम आके हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ये हमने एक पल्ले लगा दिया, अब हम इसको उठा के उससे अटैच कर देंगे सेम आधा इंच के मार्जिन से। और गाइस हमें मार्जिन बराबर लेना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लेना, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और जोड़ने में और अच्छा नहीं रहेगा। अगर गाइस आपको पूरी पैंट की वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं, हम पूरी पैंट की वीडियो भी बता देंगे आपको। हम लेंथ अब चेक करेंगे यहाँ पे, आप अगर लेंथ मेजर कर लेंगे, अगर ज़्यादा आ रही हो तो हम कट कर देंगे, अगर ठीक आ रही हो तो ठीक है। अब हमारी लेंथ ठीक आ रही है, हमें 35 इंची तैयार लेंथ चाहिए, 9 इंची का हुआ है हमारा, 27 इंची है, 27 × 35 हो गए आधे इंच का मार्जिन के बाद हमारी 35 इंची लेंथ आएगी। उसके बाद हम आधे इंच के मार्जिन से अपनी लेस फंसा लेंगे। और गाइस जो हमारी सिलाई है जो साइड्स की, इस सिलाई से सिलाई मिल जानी चाहिए। हमने अटैच कर लिया है यहाँ पे, हमारा अटैच हो गया। देखिए गाइस अब हम वहाँ पे ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम इस यहाँ पे एकदम लपकी सिलाई मारेंगे फिनिशिंग के लिए, किनारे पे एकदम जहाँ हमने लेस लगाई है वहीं मारेंगे बीडिंग लेस पे। साफ करके ये हमने सिलाई मार दी है, यहाँ पे हमारी मोरी बनके तैयार हो गई है। अब हम साइड मार देंगे, हमारी पैंट तैयार हो गई। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन कर दीजिए।